इंडियन टेलीविजन पर बाप बेटे की बहुत सारी जोड़ियां देखने को मिली, लेकिन एक ऐसी जोड़ी आज मेरे साथ है जिनमें पहले जितना प्यार था आज उतनी ही नफरत है, और इतनी ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा एनिमोसिटी हो चुकी है दोनों के बीच में, शायद रिश्ते सुधरने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वनराज, नहीं, मैं कभी भी किसी भी चीज़ पे फुल स्टॉप नहीं लगाता। हमेशा हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कोप हमेशा रह जाता है, और स्पेशली रिश्तों में, जब वो रिश्ते ऐसी गहराई के हों जिसमें आपका खून का रिश्ता हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका खून किसी ना किसी समय आवाज़ दे ही जाता है। तो कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी नाराज़गी हो, कितना भी कुछ हो, एक बाप और बेटे के बीच में कभी ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा के लिए अलग हो जाएं। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी कहानी, जिस तरह की कहानी हम लोग दर्शा रहे हैं, उसमें कभी भी ऐसा होगा। समर, इस वक्त बहुत ज़्यादा आप नाराज़ हैं, और वो भी नाराज़गी जो है काफ़ी दिनों से चल रही है, और वजह है वनराज का आपकी माँ को धोखा देना, इस परिवार को छोड़कर जाना, और शायद यही वजह है जो आप बार बार इनको याद दिलाते कि अब इस घर का हिस्सा नहीं है आप। क्यों बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों बार बार उंगली कर रहे हैं वनराज, आज क्या हुआ है? तो ये जो गुस्सा है समर के अंदर कई दिनों से है, जहाँ पर यू नो पता चलता है समर को कि उसकी मम्मी को धोखा दिया है पापा ने, और वो काव्या के साथ उनका रिलेशन है, तब से गुस्सा चलता रहा। लेकिन आज वजह कुछ और है। वजह यह है कि अब समर नंदिनी से प्यार करता है, और ये प्यार के खिलाफ है मिस्टर शाह। और समर के माइंड में कई सारी बातें है, वो ये सोचता है कि जब आप अपने मन की कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो जब आप खुद प्यार कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाशिवरात्रि की पूजा है, और वनराज शाह शिव का बहुत बड़ा भक्त है, और उसने समर से रिक्वेस्ट करी थी एक रात पहले कि कल महाशिवरात्रि का दिन है, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो कल बस अपनी मनमानी मत करना। उसके बावजूद ये, क्योंकि मैं साधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, तपस्या भी करता हूँ, यहाँ पे बैठ के साधना करता हूँ, तो वो साधना मेरी भंग हो जाती है एक तरह से, पूरी पूजा जो है डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये फिर भी अपनी मनमानी करता है, उसको लेके आता है पूजा में, और उसके बाद जो शुरू होता है तांडव, सिर्फ इसका तांडव नहीं, बातों का भी तांडव, इमोशंस का भी तांडव, हर तरह से तांडव होगा। अच्छा, इस बार की महाशिवरात्रि लग रहा था कि शायद फिर से एक बार पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, कहीं ना कहीं पुरानी बातें खुल जाएंगी, लेकिन आप काव्या को भी साथ में लेकर आए, और ये जो सवाल इन्होंने पूछा है, ये सवाल एक्चुअली वैलिड है कि जब आप अपनी मनमानी कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं? इस सवाल का मैं मेरे ख्याल से 11 पन्नों का जवाब देने वाला हूँ, जो अभी हम लोग का शुरू होगा, और वो ऐसा जवाब होगा कि मुझे लगता है दुनिया का हर बाप उससे रिलेट कर पाएगा, हर बाप समझ पाएगा, और बाप की बात को, बाप के जज्बात को, क्योंकि ये सीन इतना खूबसूरती से हमारे राइटर्स ने लिखा है कि मैं पढ़ते वक्त भी मैं कई बार आंसू बहा चुका हूँ, क्योंकि मुझे हर एक वो लम्हा याद आ गया अपने फादर के टाइम का, और जब मैंने अपने मैं भी एज अ फादर जब ग्रो किया हूँ अपने बच्चों को लेकर, तो एक एक वो मोमेंट मेरे को याद आ गया, छू गया, जो हम लोगों ने बिताया है, और जो तकलीफ़ें या प्रॉब्लम्स जो हमने झेली हैं, या जो हर्डल्स हम लोग क्रॉस करके आगे बढ़े अपने परिवार को संभाल दें, तो वो सब चीज़ें मुझे याद आ गईं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैं जवाब देने वाला हूँ अपने परिवार को और अपने बच्चों को, वो हर बाप को छू जाएगा। अच्छा, मनमानी तो आप करेंगे करेंगे, ऑब्वियसली प्यार किया है तो जिससे वादा किया उससे भी निभाना पड़ेगा, ये है प्यार के खिलाफ, कैसे बढ़ेगी प्यार की गाड़ी इनके रहते? अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी जहाँ पर मेरा स्टैंड लेके चल रही थी, अभी ये जो सब कुछ हुआ, जो मैंने लिमिट क्रॉस की अपनी, तो मम्मी भी थोड़ा नाराज़ है मुझसे, बट समर का प्यार तो बरकरार रहेगा, क्योंकि समर ने वादा किया है और प्रॉमिसेस किए हैं कि यू नो हम जिंदगी भर के लिए साथ हैं, तो जो भी कठिनाइयाँ आएगी, जो मिस्टर शाह के साइड से आएगी, मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि साथ तो देगी देगी, बट जो भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं और नंदू साथ में मिलके वील सॉर्ट इट आउट। अच्छा, वैसे वनराज से भी मेरा सवाल है कि जो डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, जो पूरा भड़ास निकालने वाले हैं आज अपने बच्चों के सामने, परिवार के सामने, उसके साथ साथ थोड़ी तोड़ा फोड़ी भी करने वाले हैं, बड़े प्यार से सजाया था आपने और अनुपमा ने घर, आज उसी की बैंड बजाने पे तुल गए, आज इतना गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया आज वनराज। जब परिवार टूटने की कगार पे हो तो उस समय छोटी मोटी चीज़ें अगर घर की टूटें तो वो मैटर नहीं करती, क्योंकि कई बार आपको किसी की आवाज़ को, अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए कई बार दूसरे की आवाज़ को दबाना पड़ता है, और वो जब तक आप नहीं करते वो आपकी आवाज़ शायद दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचती है, और इसीलिए आज ऐसा कुछ होगा कि
बाकी पूरे परिवार को मेरी आवाज़ सुननी पड़ेगी। अच्छा, ये जो रिश्ता अब बन गया है वनराज और समर का, बाप बेटे के बीच में इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, नफरत एक तरीके से क्रिएट हो चुकी है, इनकी तरफ से भले ही ना हो ये नाराज़गी, लेकिन आपकी तरफ से लिटरली हेट्रिड बनता जा रहा है अब धीरे धीरे। कोई उम्मीद है कि आने वाले समय में ये शायद हेट्रिड थोड़ी कम हो, आप भी अपने पिता को समझें? एक सीन गया था जहाँ पर मैं नंदिनी से कहता हूँ कि मैं नफरत नहीं करता हूँ अपने पापा से, मैं बस उनसे नाराज़ हूँ जो उन्होंने किया है। मैं रोते हुए ये चीज़ कहता हूँ नंदिनी को कि मैं उनसे नफरत कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे नफरत है ही नहीं उनसे, क्योंकि वो मेरे पापा है, बचपन से लेके आज तक उन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, बट जो उन्होंने किया है उसके लिए नाराज़ हूँ। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो हमेशा रहेगी कि वो रिश्ता वापस से नॉर्मल हो जाएगा, बट उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए हर चीज़ का स्पेस भरने के लिए टाइम लगता है, जो घाव है उसे भरने के लिए टाइम लगता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल बनना आपसे, घर में अब शादी की बातें भी चल रही हैं, आपके पुनर्विवाह की, आपकी जो माँ है वो अब शायद काव्या को मौका देना चाहती हैं घर की बहू बनने का, ये कैसे होगा, ये कैसे? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ इस चीज़ के लिए कभी भी राज़ी होंगी। कोई भी माँ बाप, ये बात मैंने डायलॉग में भी बोली है कि कोई भी माँ बाप अपने बेटे और बहू का डिवोर्स नहीं चाहते, तो मेरी बात तो कभी शायद इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी। पर जो जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब वो किस तरह से आगे अपने जीवन में बढ़ने वाला है काव्या के साथ, ये अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, पर वो आगे तो बढ़ेगा ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच फॉर टॉकिंग टू अस। ये थे बाप बेटी की जोड़ी जिसमें पहले प्यार था अब उतनी ही तकरार है। कैमरामैन अरुण के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।